सागर केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए चलाने वाली कैंटीन अब जिला मुख्यालयों पर भी शुरू हो गई है और इसका रिस्पांस ठीक ठाक रहा तो अब ये व्यवस्था उप जेल में भी शुरू की जाएगी। जेल में कैंटीन शुरू होने की वजह से जेल के बंदी चिन्हित सामग्री को पैसे जमा कर प्राप्त कर रहे हैं। जेल में संचालित होने वाली कैंटीन से कैदियों के लिए एक महीने में अधिकतम 1500 रुपए का सामान ही मिल सकता है, जिसमें उन्हें नमकीन, बिस्कुट, टोस्ट, गुड़, चना, फल के साथ टमाटर, प्याज, मिर्च की सलाद भी उपलब्ध हो जाती है। वहीं इसके अलावा तेल मंजन भी मिल जाता है। बता दें कि कैदियों के परिजन के द्वारा कैंटीन में महीने भर के पैसे जमा किए जाते हैं और इसकी एक स्लिप उस कैदी को दे दी जाती है। जब कैदी की इच्छा होती है तो उसे आवेदन लिखना पड़ता है जो वह अपने अष्टकोण अधिकारी को देता है। इसके बाद अगले दिन उसे वह सामान मुहैया करा दिया जाता है। केंद्रीय जेल अधीक्षक दिनेश कुमार नरगावे ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2016 से पहले बंदियों के लिए उनके परिजनों के द्वारा लाने वाली सामग्री बीत जाती थी, लेकिन भोपाल केंद्रीय जेल में 2016 में सिमी की घटना हुई थी, जिसके बाद जिला मुख्यालय के द्वारा प्रदेश भर की सभी जेलों में बाहरी सामग्री को प्रतिबंधित कर दिया गया था। पूर्व में जो है 2016 के पहले बंदी के परिजन कुछ नियंत्रित मात्रा में चिन्हित वस्तुएं उनको दे सकते थे, जैसे नमकीन, बिस्किट, फ्रूट्स वगैरह। 2016 में सिमी की घटना हुई थी केंद्रीय जेल भोपाल में और कुछ कैदी फरार हुए थे। उसके बाद से कैदियों को बाहरी सामग्री जो प्रदाय की जा रही थी उस पर पूर्णतः शासन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। निरंतर रूप से बंदियों की ये डिमांड चलती रही कि कुछ मात्रा में नमकीन, बिस्किट, सलाद के आइटम उनको मिलने चाहिए। तो 2021 में जो है जेल मुख्यालय द्वारा सितंबर में एक आदेश जारी किया गया और चिन्हित की गई सामग्री जैसे नमकीन, बिस्किट, फल, सलाद के आइटम्स मैक्सिमम 1000 रुपये राशि तक के उनको दिए जाने के निर्देश जारी किए गए, जो कि कैंटीन के थ्रू उनको प्राप्त हो, बाहरी व्यक्ति से नहीं दिए जाएँ। और ये शुरुआत में केंद्रीय जेलों में शुरू किया गया था, बाद में अब जो है इसको पिछले महीने जिला जेलों में भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जिला जेलों में भी जो कैदी बंद है उनको कैंटीन के माध्यम से 1500 तक की राशि की सामग्री एक महीने में दी जा सकती है। जी, इनमें कौन सी चीज़ें ऐसी रहेंगी? इसमें मूलतः नमकीन है, बिस्किट है, फल है, सलाद के आइटम्स है, टमाटर है, ककड़ी, मूली, मिर्च, इस तरह के आइटम्स हैं। सर, जिस कैदी को चाहिए वो कैसे इसे प्राप्त करते हैं? इसमें क्या होता है कि जो परिजन होते हैं वो कैंटीन में जो है राशि उनकी जमा कर देते हैं और उसमें उनका खाता रहता है और एक उसकी रसीद जो है कैदी को मिल जाती है। कैदी एक दिन पूर्व जो है जेल में अष्टकोण अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन देता है कि मुझे मेरे इतनी राशि में से ये सामग्री की आवश्यकता मुझे दी जाए, तो दूसरे दिन उसको कैंटीन से लेकर के वो सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। लेकिन इसके बाद जब कैदियों के द्वारा फिर से हल्की फुल्की कुछ चीज़ें उपलब्ध कराने की मांग बढ़ने लगी तो जेल मुख्यालय के द्वारा कैंटीन व्यवस्था के तहत कैदियों को यह सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की गई। सागर केंद्रीय जेल में सितंबर 2021 से यह व्यवस्था चल रही है। वहीं पिछले महीने जिला जेल टीकमगढ़ दमोह में भी कैंटीन शुरू कर दी है। उप जेल में कैंटीन शुरू करने की भी डिमांड की जा रही है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही कोई फैसला लेंगे।